सबसे पहले मेरा सवाल देवेंद्र जी आपसे है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सबका सीना गर्व से चौड़ा होता है आपको देखकर, और जिस तरीके से आपने शुरुआत की। लेकिन फिर भी देवेंद्र को जितने लोग जानते हैं वो सब जानते हैं देवेंद्र के बारे में, जो कुछ सुना है। लेकिन मैं आज इस मंच से उस देवेंद्र को इन तक लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जिस देवेंद्र को कोई नहीं जानता, यानी कि वो संघर्ष, वो तमाम चीज़ें जिनको साथ लेकर आप आगे बढ़े, जो स्ट्रगल आपने किया, और सबसे बड़ी चीज़ जिससे आपको हिम्मत मिली। देवेंद्र, मेरी 8 साल उम्र थी तब बिजली का करंट लगने से मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा था, और आज भी याद है मुझे, जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया था तो एक बच्चे का मन होता है खेलने का, लेकिन मैंने सोचा कि अब खेल तो नहीं पाऊंगा। घर के अंदर हाथ नहीं था तो मैंने सोचा बच्चे क्या कहेंगे मुझे, लेकिन उस टाइम में हौसले की बात आए तो मेरी मदर ने कहा कि बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए आप। तो मैंने कहा अब तो नहीं खेल सकता मैं। क्यों नहीं खेल सकते, अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाथ नहीं है मेरे, बच्चों के साथ कैसे खेलूंगा। बोल जाइए आप, खेलिए बच्चों के साथ, आप पहले थे वैसे ही हो। तो शायद उस दिन बाहर नहीं निकलता मैं तो आज देश को 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता। बिल्कुल, जोरदार तालियां उन 2 गोल्ड ओलंपिक मेडल के लिए, और सबसे बड़ी चीज आपके माँ के उस हौसले के लिए, उस यकीन के लिए जिसमें उन्होंने आपको ये बताया कि आप तमाम बच्चों जैसे ही हैं, आप में कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं।